खरगोन जिले में अवैध रेत खनन लगातार जारी है। पता तब चला जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चार रेत से भरे डंपरों को धर दबोचा और कार्यवाही को अंजाम दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष लालजी डावर, जनपद उपाध्यक्ष प्रकाश जी फौजदार और जनपद सदस्य सुरेश सुनवानिया और जनपद CEO मोबाइल उपस्थित रहे। जिन जिन कर्मचारियों का सेवानिवृत्त हुए उनका बड़े ही आदर भाव के साथ जनपद पंचायत के सभी कर्मचारियों द्वारा माथे पर साफा बांधकर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत सम्मान किया गया, जबकि इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया तथा सभी अधिकारियों के मुंह पर मास्क लगे हुए थे। इस कार्यक्रम में जीरापुर के सचिव अंतर सिंह परमार, रोजगार सहायक मोतीलाल कटारे, कमल मावी और स्थानीय पत्रकार कैलाश मावी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इन सभी का अधिक योगदान रहा। धर्मपुरी से कैलाश मावी की रिपोर्ट। सर, ये बालू रेत के डंपर पकड़े, कहाँ से पकड़े और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अवैध रेत खनन के विरुद्ध अभियान चल रहा है, जिसमें हमने अब तक कुल 5 ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है और 5 डंपरों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें से 4 डंपरों के खिलाफ इस तरह से माननीय न्यायालय में पेश किया है और 5 ट्रैक्टरों के विरुद्ध में FIR दर्ज करके उनकी कार्रवाई की जा रही है। डंपर कहाँ के हैं सर, वो कहाँ ले जा रहे थे? ये डंपर अलीराजपुर से निकले हैं और ये खरगोन तरफ आए हैं, तो इसकी जांच कर रहे हैं ये क्यों आए हैं, क्यों नहीं आए हैं, ये सारी विवेचनाओं में। रॉयल्टी वगैरह है सर इसकी? ये सब अभी जांच चल रही है। अब क्या कार्रवाई क्या होगी इसमें? अभी जो कानूनी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।